केरल में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 का मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए प्रदेश के तमाम जिलों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह की कोविड का नया वेरिएंट मिलने के बाद उत्तराखंड में एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन यह कोई हाई रिस्क नहीं है, बल्कि अभी तक प्रदेश में इस तरह के कोई भी मामला सामने नहीं आ पाए हैं। प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो इसके लिए निगरानी की जा रही है। साथ ही अगर कोई केस आता भी है तो समय पर ही इलाज मिल सके, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है ना कि पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये वो सेम वायरस ही है। उसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस वेरिएंट की बात हो रही है JN.1 जो केरला में नोट हुआ है, ये इस तरह का वेरिएंट कोई भी अभी तक उत्तराखंड राज्य में नोट नहीं हुआ है। देखिए, इसमें जब कोविड की दूसरी वेव आई थी उस समय पर काफ़ी तैयारियां की गई थी और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ था, और आज के डेट में भी भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार रेगुलरली मॉक ड्रिल्स की जाती हैं। वो इसलिए की जाती हैं ताकि वो स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन रहे। अभी दिसंबर 2018 में भी ये मॉक ड्रिल की गई और देखा गया कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर यदि इस तरह का कोई स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं।